नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं अंशिक और मेरे साथ मौजूद है रंजना मैम, जिन्हें हम कह सकते हैं स्पेशलिस्ट ऑफ बिग बॉस। तो आज बैठ के हम इनसे चर्चा करेंगे हमारे अभी के बिग बॉस सीजन 17 की, और साथ ही पिछले कुछ सीजन की इस बारी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा कंटेस्टेंट उभर कर आ रहा है और कौन सा थोड़ा दबा हुआ नजर आ रहा है। तो मैम, पहले तो आपका क्या कहना है बिग बॉस 17 को लेकर, कैसा लग रहा है आपको सीजन? देखिए, आई हैव ऑलवेज बीन एक्साइटेड फॉर बिग बॉस, तो मुझसे तो अभी सवाल पूछ रहे तो मे बी आई एम द रॉन्ग पर्सन, क्योंकि मुझे हमेशा मजा आता है जी। बट टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा ठंडी शुरुआत हुई है सीजन, क्योंकि पिछले सीजन हमने देखा था मतलब धमाकेदार था पहले ही डे से, एक माइंडसेट के साथ प्लेयर्स आते हैं। लेकिन इस बार चूंकि एक माइंडसेट थोड़ा सा शुरुआत में देखने को मिला था, जहाँ पर मुनव्वर ने मनारा का ट्रस्ट करने से मना कर दिया था, फिर अभिषेक थोड़े से रेबल होते हुए नजर आए थे, फिर बिग बॉस ने उनको कह दिया कि नहीं आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे मत खेलिए और माइंडसेट बना के मत आइए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ बिग बॉस की काम यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है, और जो शायद वो गेम प्लान लेकर आए थे, सोचा था ये बोलेंगे ये करेंगे, सब ठंडे पड़ गए। और मुनव्वर फारूकी, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरी पर्सनली उनसे थी, बट अभी लॉकअप के बाद स्पेशली मैं कहना चाहूंगी उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, और वो बहुत ज्यादा ना एक्सपेक्टेशंस पे मतलब एकदम डाउन जाते दिख रहे हैं। इवन बिग बॉस ने उनको कल के एपिसोड में बुलाकर बोला ये चीज कि आप क्यों सबको ज्ञान दे रहे हैं, आप खुद वो इंडिविजुअल कहाँ हैं जो जिसके लिए यू नो सब प्रेज करते हैं मुनव्वर को। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्लस हमें कल के शो में कुछ दो तीन और बड़ी क्रिस्पी चीज़ें, तो ताज़ा खबरें जो कहते हैं गॉसिप, हमें मिली। जैसे कि विकी जैन जो कि हैं वो कमेंट करते हैं नील भट्ट और ऐश्वर्या की जोड़ी पे, जो कि बहुत बड़ा कमेंट था। वो बोलते हैं कि नील ऐसे सफोकेटेड फील करता है इंसान अगर आपका पार्टनर आप पे इतना प्रेशर डाले। और दूसरे ही सेकंड पे अंकिता लोखंडे आती है विद सम एक्सप्रेशन, वो कहते हैं अब मुझे जाना पड़ेगा, और सब लोग उनको साइड से बैठ के ना उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, और सफोकेटेड फील हो रहा है क्या? तो दैट वाज काइंड ऑफ फनी। लेकिन हाँ, आप किसी की पर्सनल मैरिज पे इस तरीके से कमेंट कर रहे हो, दैट इज ह्यूज। मुझे लगता है दिस इज समथिंग जो बिग बॉस के लिए अच्छा कंटेंट और मसाला, और आई एम श्योर ये वीकेंड के बाद पर बात उठ सकती है। और जो एक अलग ही टीवी एक्टर्स का हमेशा से जो एक गैंग हर सीजन में बनता है, वो यहाँ भी बन रहा था, मुझे लगता है उस पर ब्रेक लग सकता है। ऐश्वर्या ऑन द अदर हैंड इज टू स्मार्ट, मतलब एज अ प्लेयर एज अ कंटेंट शी इज वेरी कॉम्पिटेटिव। ऐसा नहीं है कि वो सफोकेट फील करवाती होंगी अपने हस्बैंड को, दैट्स ऑफ कोर्स अ पर्सनल लाइफ इशू उनका, बट कॉम्पिटेटिव होना और किसी पे धौस चलाना, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो मनवाती हैं बातें या जो भी कमेंट उन्होंने किया, वो डिफरेंट है। और मुझे लगता है इन चीज़ों को घर के बाहर रख कर आना चाहिए ऐसी चीज़ों पर कम से कम, क्योंकि हर कोई ऐसा, हमने रुबीना दिलेक को देखा, अभिनव को हमने देखा, इसके बाद हमने जैस्मिन अली की जोड़ी को भी देखा है। मतलब आप ऐसे कपल अगर कंसिडर करें, लास्ट सीजन में हमने प्रियंका अंकित की जोड़ी को देखा, अंकित को कितनी बार कहा गया, लेकिन अंकित का इतना एक ओपिनियन होता था और अभी तो प्लस उनका नेचर था मोरओवर, राइट? तो ये गेम अभी भी शुरू हुई है, और नील आई होप कि उनका भी अपना एक ओपिनियन होगा, सबका तरीका अलग होता है। और स्मार्ट जोड़ी में भी हमने दोनों को देखा था, जहाँ पर हमेशा से पलड़ा जो था ऐश्वर्या का भारी था, और खतरों के खिलाड़ी के सीजन से वो आई हैं, तो उनका कॉम्पिटेटिवनेस तो सभी ने देखा। तो मुझे लगता है कि वो बस उनके अंदर जीतने का जो जोश है वो थोड़ा सा एम्पावर ज़्यादा करता है, ओवरटेक कर लेता है फीलिंग्स को। बट मुझे लगता है कि ओपिनियन तो डेफिनेटली नील का होगा, हर कोई डिफरेंट होता है। बिल्कुल, इट्स अबाउट पर्सनैलिटी कि हर किसी की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, जरूरी नहीं है हर कोई इतना ज़्यादा वोकल हो, राइट? अगर एक आपका जो भी आपके रिलेशनशिप में आप दो लोग हैं, अगर एक वोकल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है दूसरा भी वोकल हो उस चीज़ को लेके, तो उसके बेसिस पे जज करना थोड़ा सा गलत है। प्लस बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं अभी से ही बिग बॉस के घर के अंदर। उसमें मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी, मनारा चोपड़ा को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? बिकॉज उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, प्रियंका चोपड़ा परिणीति की कजिन है, उन्होंने जितना काम किया है पर्सनली मैं उनको नहीं जानती थी, जैसे बिग बॉस में आई तो मैंने थोड़ा उनके बारे में पढ़ा सुना देखा, तो मनारा ने जितना काम किया है उस हिसाब से मुझे उतनी मच्योर लगी नहीं। बट हाँ, एक चीज़ है कि वो जब जब स्क्रीन पर आएंगी ऑडियंस के चेहरे पर एक स्माइल ज़रूर आएगी। तो इस बार मैं वही ढूंढ रही थी कि अर्चना गौतम जैसा करेक्टर नहीं है, मनीषा रानी जैसा करेक्टर नहीं है, शहनाज गिल जैसा करेक्टर नहीं है, कुछ तो मिसिंग है। लेकिन जैसे ही मनारा को मैं स्क्रीन पर देखती हूँ मुझे थोड़ा सा मुस्कान आती है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे वो गेम में ग्रो करेंगे, उनका गेम ग्रो होना हो, लेकिन डेफिनेटली वो ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट तो कर चुकी हैं, मुझे लगता है कि कनेक्शन हो गया है, और वो जो एक्स फैक्टर मिसिंग था वो इस सीजन में मनारा ही है। ओके, हालांकि मैं बता दूं घर के लोगों ने मनारा को जो कि है फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड हुआ, जिसमें तीन घर दिल दिमाग और साथ ही दम जो कि तीनों बनाए गए हैं घर अलग अलग, उसमें से इविक्शन हुआ, जिसमें कि मनारा को
और साथ ही दो और लोगों को जो कि सिलेक्ट कर लिया गया है, जिसमें से एक नावेद भी हैं जो कि बाहर से आए हैं। ही वॉज क्राइंग अ लॉट बिकॉज वो अभी बाहर से आए हैं, राइट। उनको बड़ा अब्दू रोजे कहा था सलमान खान ने, तो उनके लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एकदम से आते ही चीज़ों को अडॉप्ट कर लेना। एक लैंग्वेज एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज उनके लिए हो रहा है, अदरवाइज उनको पास्ट रियलिटी शोज का बहुत एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कई रियलिटी शोज किए हैं फॉरेन में और बिग बॉस वो कर रहे हैं आप, हालांकि कॉन्फिडेंट वो हैं, लेकिन जब आप उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, आपको समझ नहीं हो रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। बिग बॉस तो घर ही ऐसा है कि जिसको समझ में भी लैंग्वेज आती है ना, उसके भेजे में कुछ नहीं जाता। बिल्कुल, प्लस तो हम भारतीयों की खासियत होती है, हम बिल्कुल जी तोड़ के लड़ लेते हैं। अब उन बेचारे ने लिटरली आते ही इतनी बड़ी बड़ी फाइट्स देख ली, अभिषेक लिटरली टूट कर पड़ जाते हैं लोगों के ऊपर, तो उसके बाद वो थोड़े से लग रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा मेडअप कर रहे हैं और वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई होप कि उनको कोई ये बात वहां तक पहुंचाए जो कि मुश्किल है। इवन अभिषेक भी एलिमिनेट हो चुके हैं, अभिषेक नावेद एंड थर्ड वन इज मन्नारा चोपड़ा, इन तीनों को ही एलिमिनेट कर दिया गया है फिलहाल के लिए। अभी देखते हैं क्या डिसीजन आता है, कौन जो कि है घर के बाहर जाता है वो भी पता चलेगा। लेकिन हाँ, मन्नारा इसके बाद बहुत ज्यादा रोई थी बिकॉज विक्की जैन से उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो उनको जो कि एलिमिनेट कर देंगे। तो होता है, गेम है, गेम है और ये तो होना ही है, और शुरुआत में लगता है कि यार मुझे क्यों कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो गेम समझ जाएंगी। अगर वो यहाँ से बचती है नॉमिनेशन से तो वो बच जाएंगी और वो समझ भी जाएंगी कि ये गेम है, यहाँ होगा ऐसी चीजें। अब जैसे कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जैसे मुनावर है, वो ये गेम ऐसा खेल कर आ चुके हैं, आप तो वो शुरुआत में कई दफा ये कहते हुए सुनाई दे कि इसके फचड़े में नहीं फंसना है, लड़ाई नहीं करना है, वो तो लड़की था तो मैं बोला, अदरवाइज में नहीं। तो उन्हें पता है सब उन्हें क्या करना है और कौन कब बहुत वाइजली खेल रहे हैं स्टार्टिंग। एग्जैक्टली, और अभी ज्यादा उन्हें जज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट सीजन में हमने अभिषेक को देखा था, शुरुआती एक डेढ़ हफ्ते वो बहुत ठंडे थे, कोई उन्हें जानता भी नहीं था, क्योंकि एक अननोन फेस बड़े सेलिब्रिटीज के बीच में आते हैं, आप नर्वस फील करते हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्रैक पर आए और जैसे ही थोड़ा सा अप्रिशिएशन सलमान खान और ऑडियंस की तरफ से उन्हें मिला, उसके बाद गेम में सिर्फ अभिषेक 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 ही, उन्होंने अपनी रियल फॉर्म दिखाई। मुझे लगता है कि मुनव्वर के साथ भी यही हो रहा है, वो गेम अभी थोड़ी सी समझ रहे हैं, थोड़ा सा स्टार स्टड हो जाते हैं आप अचानक से, आपके साथ मतलब लॉकअप में अलग कंटेस्टेंट है, यहाँ पर अलग कंटेस्टेंट है, बिग बॉस अपने आप में कितना बड़ा नाम है कि सारी जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर आती हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ एक हफ्ते का समय लेंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि हर जगह मुनव्वर मुनव्वर होने वाला है, क्योंकि जो उनका गेम के प्रति जो अगेन कॉम्पिटिटिवनेस है वो जबरदस्त है। तो देखिए, मुनव्वर तो अभी से हो रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है, बस लोग उनसे थोड़े से खफा है क्योंकि जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी उनको एटलीस्ट नहीं दिख रहा है मुनव्वर के अंदर, मुनव्वर थोड़े दबते हुए नजर आ रहे हैं। वही अंकिता को भी, उनको जरूरत है थोड़ा सा वोकल होने की। वो जो थॉट प्रोसेस है वो दूसरे गेम्स में चल जाता होगा कि आपको नहीं बोला, लेकिन बिग बॉस तो गेम ही स्टैंड लेने का है, और मुझे लगता है सलमान खान वीकेंड के बारे में उनको ये बात जरूर बोलेंगे, क्योंकि उनके पास वो आवाज है, वो बैठे रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, वो उठाते नहीं है, तो सिर्फ अपने मुद्दों पर वो बोलेंगे तो मुझे लगता है कि ऑडियंस से वो कनेक्ट स्थापित कर पाएंगे। उन्हें बोलना होगा, जैसे लास्ट सीजन हमने प्रियंका चाहर चौधरी को देखा था जो हर मतलब झगड़े में घुसती थी और बोलती थी, और शायद यही वजह कि हर घर में मतलब उतने कि दिलों की विजेता वही बन के गई, भले सीजन उन्होंने जीता नहीं जीता, तो वो एक क्वालिटी मुझे लगता है बिग बॉस के हर एक कंटेस्टेंट में होना अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है, और उसी के चलते आप चल पाएंगे शो के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट टू यू नो पुट अ लाइट ऑन। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अभी आपका फिलहाल के लिए कौन सा कंटेस्टेंट आपका दिल जीतता आपको नजर आ रहा है, हालांकि दो ही दिन दो ही एपिसोड है, बहुत जल्दी है सवाल पूछने के लिए। मतलब मुनव्वर को मैं पुराने गेम से पसंद करती हूँ, बिग बॉस में वो कैसा करते हैं, क्योंकि हमने देखे हैं कि कई सीजन्स के विजेता आते हैं और कुछ खास करके जाते नहीं हैं। बिल्कुल, जैसे शिव ठाकरे आए थे, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आए थे टू बी ऑनेस्ट, वो अपने सीजन के विनर रहे थे लेकिन यहाँ जो उन्होंने गेम खेली थी मुझे वो रनर अप ही नहीं लगते थे, मुझे वो शायद टॉप फाइव में भी नज़र नहीं आते थे उनकी जो गेम थी। तो इट हैपन्स समटाइम्स, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मुनव्वर फारूकी, बट कोई फेवरेट अभी तक तो मुझे, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विक्की जैन एज वेल, मुझे वो करण कुंद्रा लग रहे हैं, करण कुंद्रा प्लस मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके ना सीजन, अगर आपने देखा हो कि शुरुआत में उन्होंने जो गेम प्लान अपने दिखाई थी और धीरे धीरे वो तो प्यार मोहब्बत ने उनका गेम खराब किया, शुरुआत के पहले तेजस्वी प्रकाश, माय गॉड, पहले हफ्ते में जो दिमाग चलाते हुए वो नजर आए थे और जिस क्लेवरनेस के साथ वो गेम को खेलते थे, मतलब ही वाज ओनिंग दैट सीजन डे वन से, और वो विक्की जैन में झलक मुझे दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है, एंड हम देख पा रहे हैं ये चीज की अंकिता लोखंडे भी जहाँ पे नहीं होते वो वहाँ भी बैठे होते हैं और प्लस चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो झलक है, क्वालिटी है चीजों को यू नो किस तरीके से अपना करने की, हर डील को क्रैक करने की, लोगों को अपना बनाने की, और वो इंटेलिजेंस है लोगों को रीड करने की। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उल्टा हम ये कह सकते हैं अंकिता लोखंडे शायद जिन चीजों में जहां जहां पे पॉइंट्स में टेक नहीं ले रही है वहां पे भी विक्की जैन हमें टेक लेते दिख रहे हैं, जबकि
उनका देखा जाए कहीं ना कहीं कोई वास्ता भी नहीं है, मतलब यू नो इस इंडस्ट्री से, ऑब्वियसली ही इज अ बिजनेसमैन, तो एकदम से आकर आपका इतना इन्वॉल्वमेंट शो करना विच शोज की यस दिमाग तो मतलब है धासु तगड़ा है, नो डाउट है। अंकिता लोखंडे को एपिसोड में कहते हुए सुना गया कि मैं एक डेढ़ हफ्ता लेती हूँ लोगों को समझने में, एंड वंस आई अंडरस्टैंड देम फिर मेरा गेम ऑन होता है। तो बॉस ये बिग बॉस है, यहाँ पे एक डेढ़ हफ्ते में लोग घर चले जाते हैं, मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े नामों को हमने मतलब शॉकिंग इवेक्शन देखे हैं। बिल्कुल। तो अंकिता लोखंडे अगर ये सिर्फ सोच रही है कि मैं अंकिता लोखंडे हूँ, मैं एक डेढ़ हफ्ते तो मुझे जनता रखेगी, उसके बाद मेरा गेम ऑन होगा, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे रखेंगे आगे, तो मुझे लगता है कि ये थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। और अंकिता लोखंडे से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जब बड़े नाम बड़े चेहरे आते हैं स्पेशली व्हेन यू आर अ वुमन, तो जो मुद्दे उठते हैं उस पर उठाना आवाज़ जरूरी है। ऐश्वर्या से भी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ऐश्वर्या को तो मैं देखती हूँ कि वो बोलेंगे हर जगह। अब जो हाल ही में प्रैंक किया गया था रूम्स एक्सचेंज को लेकर, उसके बाद जो जबरदस्त फाइट अगेन वो अभिषेक और सोनल व्हाट्स हर नेम बंसल जो एक कंटेस्टेंट आई हैं जो मॉडल हैं, सॉरी आई एम मिसिंग, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, शायद अभी अभी शो में उनको मैंने देखा, उनके साथ जो फाइट हुई थी बेसिकली अभिषेक के साथ रूम को लेकर, सोनिया बंसल यस, तो सोनिया के साथ जो फाइट हुई थी, मैं बहुत सोच रही थी कि अब अंकिता या ऐश्वर्या में से कोई बोलेगा, अब अंकिता ऐश्वर्या में से कोई बोलेगा, और वहाँ लिटरली मतलब सीजन्स में कभी किसी ऐसा नहीं है कि फीमेल मेल को कहते हैं, मेल फीमेल को नहीं कह सकता है, किसी ने भी खुले में पहले ही दिन शायद गालियाँ नहीं दी हैं, और अभिषेक ने गालियाँ दी उनको, अभिषेक के अलावा सेकेंड डे तहलका जो है उनमें और साथ ही सनी में सब में बहुत गंदी लड़ाइयाँ हुई हैं। मेल मेल का ठीक है, लेकिन आप फीमेल को दे रहे हैं और फीमेल ने भी आपको दी है, फीमेल को आप भी दे रहे हैं, ये हमने बिग बॉस में नहीं देखा। मेल मेल का तो हमने खूब देखा है, हमने मतलब बहुत लड़ाइयां देखी हैं सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई की, जी एग्जैक्टली, बट दे नेवर गेट अब्यूसिव, राइट, अब्यूसिव होते वो हमने नहीं देखा, स्पेशली एक मेल का फीमेल के साथ। मैं सोच रही थी कि अब अंकिता बोलेंगी, ऐश्वर्या बोलेंगी, कोई बोलेगा, लेकिन किसी ने नहीं बोला। अगेन विकी ने बहुत ही ह्यूमर वे में जरूर बोला, लेकिन कुछ तो बोला। मुनव्वर ने भी वहाँ कुछ नहीं बोला, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मतलब बिल्कुल इन बड़े नामों से तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ऐसे कोई सिचुएशंस आएंगे दे विल टेक अ टेक, मतलब स्पेसिफिक कोई इस चीज के लिए कुछ आवाज रखेंगे अपनी, बट नहीं हुआ, दैट इज समहाउ डिसअपॉइंटिंग, लेकिन नेवर माइंड। चलिए एंड में जाते जाते हम आपसे एक और पूछ लेते हैं सवाल, क्या लगता है जो तीनों अभी एलिमिनेट हुए हैं नाम, कौन जा सकता है बाहर, मनारा, अभिषेक या फिर नावीद? नावीद के हाई चांसेस हैं, पर मैं चाहती हूँ कि वो रुकें और अपना और यूनिक, मुझे लगता है उसके अंदर वो एक्स फैक्टर है, वो स्पार्क है। एग्जैक्टली, वो बहुत बस जेंटल है जिसका अभी, और मतलब अगर अभिषेक चले जाएंगे तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत फेक स्टोरी दिखा रहे हैं, बहुत फेक कैरेक्टर लग रहे हैं, तो एक्सट्रीमली वायलेंट, ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कॉमन है खासतौर पर बिग बॉस के घर में, तो हम कुछ यूनिक देखने को मिलेगा नहीं उनसे, तो अभिषेक चले जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मनारा और नावीद को मुझे लगता है रुकना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन इस बारी जो कि है एलिमिनेट होता है, कौन घर के बाहर जाता है, देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल देन हम फिर से आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और नई डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए आप हमारे न्यूज़ नेशन और एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और तमाम वीडियोज़ के लिए। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ।